नमस्कार दोस्तों, बीआई के एक नई व्लॉग में आपका स्वागत है। आज की जो यात्रा है वो आध्यात्मिक, पौराणिक और रमणीक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गुप्ता धाम, और देखिए मेरे साथ कौन है, ये रुसी यानी रोशन उर्फ शुभ उर्फ शुभम, और हमारे बड़े भैया कैमरा मैन ये गोलू और पंकज भैया। दोस्तों, हम लोग दुर्वाती डैम पहुंच चुके हैं, और यहां से हम लोग ने चेक पॉइंट से एंट्री ली है, और वहां के जो चार्जेस हैं फोर व्हीलर्स के लिए 50 रुपीस और बाइक के लिए 20 रुपीस। तो ये देख सकते हैं आप, इसी रास्ते से अभी 20 किलोमीटर चलना है, तो देखते हैं कितना रोमांच भरा होता है ये रास्ता। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, हम लोग आधे दूरी तय कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं इधर का जो रास्ता है अभी। और भैया बताइए कुछ एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा रास्ता है। अच्छा रास्ता का मतलब है कि गाड़ी आ जाएगी आपकी, टू व्हीलर फोर व्हीलर लेके आ सकते हैं। अभी तो हालांकि अभी ने बहुत आगे जाना है, बट यहाँ तक का रास्ता ठीक है, आ सकते हैं। काफ़ी विहंगम दृश्य है, रमणीक नज़ारा, और ये है वो रोड, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं। तो आप एडवेंचर का शौकीन है तो फिर भी और अच्छा लगेगा, और इसके साथ साथ आध्यात्मिक जगह तो हम लोग को जाना ही है, तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी जगह है, और काफ़ी धूप है। तो अधिकतर लोग यहाँ सावन में आते हैं, महाशिवरात्रि वगैरह में, या मतलब सावन में, तो उस समय काफ़ी भीड़ रहता है। कहा जाता है कि उस समय जगह नहीं रहता है, लोग पैदल आते हैं बक्सर से जल लेकर। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्ता धाम, और भैया लोग आ गए हैं। चलिए देखते हैं, ये है रास्ता जाने का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा।
तो चलिए देखते हैं। अभी तो भीड़ है नहीं, काफ़ी दुकानें हैं, मगर अभी ये गर्मी का दिन है तो सब बंद है। तो चलिए देखते हैं, पहली बार आए हैं यहाँ पर। क्या देख सकते हैं, ये रास्ते द्वार है और कुछ कुछ दुकान पूजा पाठ के वाला खुला है। इसके पौराणिक मान्यताएँ ये हैं कि जब भस्मासुर जब तपस्या कर रहा था भगवान शिव को, तो भगवान शिव काफ़ी खुश हुए और उन्हें वरदान दिया उसको। और वरदान में उन्होंने क्या मांगा भस्मासुर ने, कि मैं किसी को भी छूँ तो वो भस्म हो जाए। तो उसने क्या किया कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाह भगवान शिव पे ही। तो भगवान शिव छुपे छुपे भागते भागते यहाँ पर आएँ और इस गुफे में जाकर छुप गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भगवान विष्णु माँ पार्वती का मतलब रूप धारण कर आए यहाँ पर और उसको बोले कि अगर आप नृत्य करोगे, मेरे साथ नाचोगे, तो उसके बाद मैं मतलब वो पूरी तरह सम्मोहन हो गया था माँ पार्वती को, इसलिए भगवान शिव को वो हटाना चाह रहा था। तो वो गलती से क्या हुआ, वो खुद पे ही सर पे ही अपना हाथ रख दिया और भस्म हो गया। तो ये है पुरानी कथा है, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत सारे कथाएँ हमने सुना है। और ये गुफा है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, इसी गुफे के अंदर भगवान शंकर जी छिप गए थे। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, देखते हैं। तो लाइट लाइट से लेना है, लाइट खुद से लेना है, खुद से लेना है लाइट। जय भोले, जय श्री शंभु। तो दोस्तों, गुप्ता धाम यानी गुप्तेश्वर बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीताकुंड की ओर। तो देखिए, चिलचिलाती धूप है और इधर है ये रास्ता है, थोड़े सी पास में ही है, तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए, दुकान अभी खाली है, मगर जब मेला लगता है तो ये सब जितने भी बांस बनाए हैं ये सब दुकान में तब्दील हो जाते हैं। देख रहे हैं, ये छोटा सा झरना की तरह, मतलब यहाँ से नदियों के पानी जाता है, गुजरती है बरसात के दिनों में, तो यहाँ सावधानी पूर्वक पार करना होता है, काफ़ी दुर्घटना घट सकती है। और ये है, अभी सूखा हुआ है पूरी तरह से, और दुर्गम जंगलों के बीच ये आध्यात्मिक स्थल, काफ़ी प्राचीन स्थल है। और हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है सीताकुंड। तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही कुंड है, ये पानी है और ये प्राकृतिक रूप से काफी सुंदर जगह है, ये काफी शांत जगह है। मगर प्रॉब्लम ये है कि इधर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना कपड़ा है, बहुत गंदा है ये कपड़ा, के कारण ये बहुत गंदा है। और ये मान्यताएं है शायद कि यहाँ जो भी नहाता है कुछ कपड़ा छोड़ता है, मगर काफी शांत जगह है। और ये तो गर्मी का दिन है, अगर आप बरसात के दिनों में आते हैं तो आपको दिखा दूं पीछे, ये सभी पानी से जलमग्न होता है, ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से, जो वीडियो था हम लोग का तुतला वानी, उस तरह का ये दृश्य है और यहाँ का क्षेत्र है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आकर।